अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू इकामा न्यूज़ में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, जो भाई छुट्टी पर जाते हैं या छुट्टी लगवा लेते हैं, अपने मुल्क नहीं जाते या छुट्टी पे जाके वापस नहीं आते उस वीज़े के ऊपर, तो उनको सऊदी अरब के कानून के मुताबिक कितने साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है, और या एक दिन या 15 दिन की छुट्टी पर जो भाई जाते हैं तो वो समझते हैं कि उनको 1 महीने की फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी 100 रियाल छुट्टी का। तो इस तरह नहीं है, आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप उर्दू इकामा न्यूज़ पर पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आपको घंटी का बटन मिलेगा, इस पर भी अंग लगा दिया करें, ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में मज़ीद इस तरह की वीडियो आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। जिन दोस्तों ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सऊदी अरब से बाहर जाने के लिए एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा, जिसे अरबी में खरूज वोदा कहते हैं, हासिल करना ज़रूरी है। खरूज वोदे की फ़ीस 100 रियाल महाना मुकर्रर है, ताहम एक दिन से लेकर 60 दिन तक की फ़ीस जो है वो 200 रियाल मुकर्रर है। इसमें कमी नहीं की जा सकती, यानी अगर किसी को 10 या 15 दिन के लिए जाना हो तो इसे भी 200 रियाल ही फ़ीस अदा करना होगी, और अगर कोई 60 दिन के लिए जाए तो इसकी फ़ीस भी 200 रियाल ही होगी। ताहम 2 माह के बाद हर इजाफी माह पर 100 रियाल फ़ीस अदा करना लाजमी है। खरूज वहदे को तब्दील करवा सकते हैं, बहुत से दोस्त ये पूछते हैं, तो इसके बारे में जवजात का कहना है कि एग्ज़िट री इंट्री वीज़े में उस वक्त तक तब्दीली मुमकिन है जब तक इसे इस्तेमाल ना किया जाए, यानी अगर इस वीज़े पर सफ़र किया हो तो इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं। री इंट्री वीज़े की फ़ीस के हवाले से बहुत से दोस्त ये भी पूछते हैं, अगर वीज़ा को इस्तेमाल ना किया गया तो इसकी फ़ीस वापस ली जा सकती है। इस हवाले से महकमा जवजात का कहना है कि वीज़े की फ़ीस उस वक्त तक रिफ़ंड कराई जा सकती है जब तक इदारे से वीज़ा स्टैम्प नहीं हो जाता। री एंट्री वीज़ा लगने के बाद इसकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं कराई जा सकती, अलबत्त मुकर्रर मुद्दत यानी 2 माह के अंदर अगर इसे इस्तेमाल ना किया जाए तो कैंसिल करवाना लाजमी है, बसूरत दीगर इस पर 1,000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। मैं आप दोस्तों को दोबारा बता दूं, जो भाई छुट्टी लगवा लेते हैं और वो अपने मुल्क नहीं जाते तो इनको छुट्टी कैंसिल करवाना लाजमी होता है, और 1,000 रियाल इसका जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। वो अफराद जो एग्ज़िट री इंट्री वीज़े पर जाते हैं, जो भाई छुट्टी पर चले जाते हैं और वापस लौट के नहीं आते, तो उन दोस्तों को मैं ये बता दूं, सऊदी अरब कानून के मुताबिक आप 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हैं, यानी अगर आप आज चले जाएं छुट्टी पर और वापस ना आए, आपकी छुट्टी ख़त्म हो रही है 2 माह बाद या 6 माह बाद, उस 6 माह के बाद आपके 3 साल जो होंगे ना उसमें आप ब्लैक लिस्ट होंगे। छुट्टी के अलावा और जो 3 साल होंगे ना उसमें आप सऊदी अरब नहीं आ सकते, ब्लैक लिस्ट हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे उर्दू इकामा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।